और 10 साल तक मैं सरकार का सेवा किया, और आज हमको नियुक्ति पत्र दी जा रही है जहां हमारा वरीयता समाप्त हो जा रहा है। सरकार का जो नॉर्म्स है उस नॉर्म के अधीन जब भी नई नियुक्ति पत्र होगी हम लोग स्वतः जूनियर हो जाएंगे। सरकार यही चाह रही है, सरकार की यही नीति है कि नियोजित को हमेशा नीचे रखना। हमारे साथ 10+2 के शिक्षक अनिल कुमार जी है। सर, सबसे पहले अब तक बिहार न्यूज में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार सरकार ने आप लोगों को कह रही है बिहार सरकार कि कहाँ आप थे और कहाँ लाके बैठा दिए, फिर भी आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध की तो कोई बात ही नहीं है, और सबसे बढ़िया सरकार के सारे फैसलों को हम लोग स्वागत करते आए हैं। और जहाँ तक बात रही कहाँ से और कहाँ तक पहुँचने की, तो हम लोग में इतनी क्वालिटी थी जिस क्वालिटी के बल पर सरकार के हर एक प्रदान को हमने बखूबी वहां तक जाने का प्रयास किया है। जितने भी एग्जाम लिया सरकार ने, जैसे एसटीटी पास किया हमने, क्या कर सक्षमता पास किया हमने, सरकार ने जितने भी एग्जाम लिया वो सारे एग्जाम पास करके और अपने पद पर कायम रहे। और जहां तक सरकार के हम लोग बच्चे के माध्यम से भी, सरकार ने बच्चे के माध्यम से जिस क्षेत्र में फीडबैक लिया, जहां जहां उन्होंने प्रतियोगिता कराया, और बच्चे भी अपने आप में पहले से बेहतरीन साबित हो रहे हैं। जहां पहले लड़के के फर्स्ट डिवीजन का, सेकेंड डिवीजन का जो परसेंटेज था काफी कम था, आज उसका परसेंटेज सरकार भी देख रही है कि बच्चे के जो परसेंटेज है काफी हाई लेवल पर जा रहा है। आखिर हम लोगों का जो योगदान है, यदि हम लोग उस लायक नहीं रहते, वो क्वालिटी नहीं रहती, तो हमारे बच्चे का जो परसेंटेज है वो घट जाता। और हमने वहां तक पहुंचने का जो सिलसिला है वो अपने मेहनत और अपने काबिलियत के बल पर पहुंचा है। तो नया नियुक्ति पत्र जो आप लोगों को मिला है उसका पुरजोर विरोध आप लोग कर रहे हैं। सरकार कह रही है अब शिक्षकों को बल्ले बल्ले हो गया, राजकर्मी का दर्जा दे दिए, अब आप लोग विरोध कर रहे हैं। जी, सरकार बल्ले बल्ले की बात तो तब होती जब हम 10 साल से सरकार के हर एक बात को मानते हुए, हर एक चीज को पहलू पर ध्यान देते हुए अपने आप को सरकार के हर एक नियम पर खरा उतारा, सरकार के हर एक पहलू को ध्यान में रखा, और 10 साल तक मैं सरकार का सेवा किया, और आज हमको नियुक्ति पत्र दी जा रही है जहां हमारा वरीयता समाप्त हो जा रहा है। सरकार ने नियम बनाया कि हर एक लेवल पर, हर एक इंडेक्स पर इतनी इतने इतने प्रोन्नति होगी, इतना इतना के वेतन वृद्धि होगी। सरकार खुद जो नियम बनाई, जो हमारे हम लोग नियोजित जब नियोजन हुआ उस समय एक इंडेक्स रखा गया, 1, 2, 3, 4, 7 इस तरह का इंडेक्स बना। आज सरकार उस इंडेक्स में भी एक चाइनीज इंडेक्स ला के खड़ा कर दिया, और उस इंडेक्स को भी सरकार खुद नहीं मान रही है, जो नियम सरकार खुद बनाती है और कुछ दिनों बाद वह पुनः निरस्त हो जाती है, और आज कहती है सरकार बल्ले बल्ले। आज 10 साल के बाद हम नए नियुक्ति पत्र के साथ अगले विद्यालय में जाएंगे तो क्या हमारी वरीयता बनी रहेगी? नहीं, जो TR1, TR2 जो आज ज्वाइन करके आए हैं, जो जिनके पास अभी भी उनको प्रमोशन पीरियड में रहना चाहिए, वो हमसे सीनियर बन जा रहे हैं और हम जूनियर बन जा रहे हैं। उनके सामने हमारी जो भावना है वो कुंठित होती जा रही है, और हम जब कुंठित होंगे और सही कोई भी चीज को हम ऊपर से प्रेशर बनाकर, दबाव बनाकर, उससे हम सही शिक्षा नहीं ले सकते हैं। और सरकार हम लोग पर लाद रही है कि नहीं, आपको नियुक्ति पर देना है, नए जगह पर नए तरीके से रहना है, तो क्या यह तर्कसंगत है? नहीं, हम 10 साल से अनुभव सेवा दिया है, हमने 10 साल से उनका सेवा किया है, हर 10 साल का अनुभव ही है। सरकार कहती है अनुभव बड़ी चीज होती है, हर एक चीज में अनुभव का प्रश्रय दिया जाता है, तो क्या सरकार को यहाँ अनुभव का प्रश्रय नहीं देना चाहिए? अच्छा, आप लोगों को अभी नियुक्ति पत्र मिला है, इससे पहले बीपीएससी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिल गया है, क्या उनसे आपसे वरीयता में वो आगे हो जाएंगे क्या? आज भी ऐसे ही माहौल बन रहा है, सरकार के द्वारा बीपीएससी का जो भी पत्र निकल रहे हैं, जो भी नियम निकल रहे हैं, स्वतः जब भी हम नए विद्यालय में योगदान लेते हैं, जैसा सरकार के नॉर्म्स रहा है उस नॉर्म्स के अधीन हमारा जो सीरियल होगा वह पहले के सीरियल के बाद होगा, ऑटोमेटिक हम जूनियर हो जाएंगे। आज भी बीपीएससी वाले जो आए हैं उसकी सैलरी का जो इंक्रीजमेंट है हम लोग से ज्यादा होती जा रही है, जब ये ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक हम जूनियर हो जाएंगे। ये सरकार का जो नॉर्म्स है उस नॉर्म के अधीन जब भी नई नियुक्ति पत्र होगी हम लोग स्वतः जूनियर हो जाएंगे। सरकार यही चाह रही है, सरकार की यही नीति है कि नियोजित को हमेशा नीचे रखना और कुंठित भावना से ग्रसित रखना। ऐसा क्या है, सरकार को आपसे दुश्मनी थोड़े है?
सरकार की दुश्मनी नहीं है, सरकार के अपने नियोजित पर कभी भरोसा रहा ही नहीं। अच्छा, भरोसा नहीं रहा तो फिर आप नौकरी कैसे कर रहे हैं? सरकार का भरोसा यदि आप पे नहीं रहता तो फिर आप नौकरी कैसे करते हैं? वही तो हम लोग, सीता जी को एक बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और हम लोग बार बार ये अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। जैसे हमने एसटीटी पास किया, सक्षमता पास किया, और सरकार द्वारा हरेक बार जो भी टर्म्स आता है एग्जाम का, हम सब पार कर रहे हैं। तो यहाँ तो हम लोग की बार बार परीक्षा ही नहीं ली जा रही है। ऐसी बात नहीं होती सरकार एक बार हम एग्जाम लेता, हम बहाल होते और नौकरी करते रह जाते। सरकार को भरोसा हमको बार बार दिलाना पड़ रहा है, इससे हमको भी अपने आप पर संदेह हो रहा है कि क्या वाकई हम लोग सक्षम है या नहीं। अच्छा, तो सरकार से मांगे क्या है आप लोगों का? सरकार से यही मांग है कि एक रूपता बनाए रखें। आज हमारे बीच तीन समुदाय में शिक्षा को बांट दिए हैं, एक पहले वाले, एक TR1, TR2, एक नियोजित वाले। अब वह अलग अलग समय में है और हम लोग को ये कभी कभी ये महसूस होता है कि हम लोग एक ही समुदाय के, एक ही संस्था में, एक ही जगह काम करते हैं, लेकिन हम लोगों के बीच समरूपता नहीं है। सामने वाले अपने आप में ये होता है कि हम BPSC आए हैं, आप नियोजित हैं, वाकई हम लोग का काम करने का तरीका एक है, पढ़ाने का तरीका एक है, जगह एक है, और काम भी उतने ही करते हैं, तो फिर एक दूसरे में भेदभाव की भावना क्यों? अच्छा, तो स्कूल में इस तरह का फीलिंग होता है आप लोगों? एकदम फीलिंग होती है। अच्छा, फीलिंग होती है? हाँ, एकदम। क्या छात्र भी इस तरह का फीलिंग महसूस करते हैं? नहीं, छात्र महसूस नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि BPSC वाले जो भी आए हैं उनको थोड़ा अंदर से ये भी धुर सकता है कि BPSC वाले हमारे ही समुदाय से गए हैं, नियोजित वाले ही BPSC वाले बने हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो उनको बार बार लेटर निकल रहा है, बार बार न्यूज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो भी बात इनके सामने आ रही है, उनके अंदर ये लगता है वाकई कुछ ना कुछ तो अलग है, और यही अलग उनको एक दूसरे से अलग कर रहा है। आप लोग पुरानी पेंशन का मांग कर रहे हैं, लेकिन अटल जी बोले थे कि यदि पुरानी पेंशन नहीं हटाएंगे तो देश की स्थिति चरमरा जाएगी, क्या कहेंगे जी? ये तो पुरानी पेंशन का जहां तक मांग की बात है, वो तो हमारा क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स रहा है, मौलिक अधिकार है मेरा। क्योंकि अटल जी जिस समय देश के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में बात किया था, उन्होंने उस समय की और आज की हर एक जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं उनको पेंशन बुढ़ापे की लाठी है। जैसे हमारे परिवार में भी शिक्षक रह चुके हैं, आज भी वो पेंशन एक जैसे होता है ना कि क्या कहें उसमें, एक ऐसे चीज जिसके बारे में वर्णन करना कठिन हो रहा है कि थोड़ा ही पैसा आता है लेकिन परिवार को वो सारे नीड को पूरा कर देता है। और आज सरकार के सिर्फ शिक्षक समुदाय ही क्यों, या कुछ ऐसे ही विभाग क्यों जहां पेंशन का समाप्त करने की बात हो रही है? यदि आदि हमारा देश या आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है तो क्यों नहीं पूरे देश के ही पेंशन समाप्त कर दिया जाए, सारे नेतागण के समाप्त कर दिया जाए? नेता को तो दो, एक नेता यदि मंत्री बन गए, विधायक हैं, MP हैं, तो तीनों पेंशन मिलता है। जी, एकदम समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि जब एक नेता को तीन पेंशन समाप्त कर देंगे तो हमारी स्थिति और सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी, और बाकी क्षेत्र में इसका लाभ मिलेगा।